once again, welcome back to the channel Commerce Media. I hope you guys are doing absolutely fine. So, yaar, aaj hum baat karne wale hain capital market mein method of flotation. Capital market ka ek general concept aur uske features humne apne last video mein discuss kar liya hai. To agar wo video nahi dekha hai, sabse pehle jaake wo video dekho, concept ko samjho aur fir is par baat karte hain ki capital market mein different methods of flotation kya hote hain. Ye ek bahut important concept, bahut important topic ho sakta hai as far as the board is concerned. अब अगर इसको समझने के लिए इसकी हेडिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से हो जाती है कि सर मेथड ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, तो मैं इसको आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो इन हाउ मेनी वेज कंपनी कैन रेज द शेयर, कंपनी कैन इश्यू द शेयर एंड रेज द कैपिटल कैपिटल मार्केट, यानी कंपनी कैपिटल मार्केट में किन किन तरीके से शेयर इश्यू कर सकती है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला जो मैथड, जो तरीका है शेयर इश्यू करने का कैपिटल मार्केट में, वो है आईपीओ. इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है. मैंने इसकी एब्रिविएशन फॉर्म यहां पर शॉर्ट फॉर्म आईपीओ लिखा हुआ है और इसको ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस भी बोला जाता है. ये एक सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इश्यूइंग शेयर्स है जहां पर कंपनी सबसे पहले कैपिटल मार्केट में अपने प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है एंड दोज इन्वेस्टर्स हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग द मनी इन द कंपनी दे अप्लाई फॉर द शेयर, दे अप्लाई एप्लीकेशन एंड दे वांट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर. तो ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है जहां पर कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू करती है और इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इश्यू करती है, देन कंपनी हैज टू इनकर सम एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, लाइक प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस कंसर्न, लाइक ब्रोकरेज इज कंसर्न. तो कंपनी हैज टू इनकर दीज एक्सपेंसेस इफ कंपनी इज गोइंग फॉर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. इसी को, यही सारी कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है. तो अगर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस से अगर शेयर इशू करती है तो वहां पर कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है और उसी फ्लोटेशन कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल को यूज करती है. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे वेरी टू मैथड विच अ कंपनी ऑप्ट इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स, इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग, बाय फॉर्म ऑफ इशूइंग शेयर्स. या वो कंपनी आपसे आपसे पूछा जा सकता है कि वो दो आप मेथड बताइए जिनकी हेल्प से कंपनी बिना फ्लोटेशन कॉस्ट को खर्च किए हुए, विदाउट इनकरिंग द फ्लोटेशन कॉस्ट, कंपनी कैन रेज द फाइनेंस एंड कंपनी कैन इश्यू द शेयर. तो बिना फ्लोटेशन कॉस्ट को इनकर्ड किए हुए, बिना उस फ्लोटेशन कॉस्ट को खर्च किए हुए, ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है बाय इश्यूइंग शेयर. तो पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? इसमें कंपनी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को शेयर दे देती है. मेरी बात, ये वर्ड आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. बेबी दिस वर्ड कैन बी गिवन इन द केस एंड यू हैव टू फाइंड आउट. तो जब भी जहां पर लिखा हो कंपनी हैज इश्यूड द शेयर टू द इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स और टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर, या उसकी जगह पर लिखे आ सकता है कंपनी ने LIC, UTI या GIC, इन जैसे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को शेयर इश्यू कर दिए. तो अगर इनमें से कोई भी नाम पूछा जाता है या फिर सिंपली ये लिखा हो कि नेम द मैथड इन विच कंपनी इश्यूज द शेयर्स टू द इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर एंड टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो आंसर है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को शेयर इश्यू कर देती है और फिर यही इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ये शेयर इश्यू करते हैं. ये जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं करते, ये सिर्फ अपने कुछ सिलेक्टेड हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ये शेयर एट अ हायर प्राइस पर ये इश्यू कर देते हैं. उसके बाद बात आते हैं ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे LIC, UTI और GIC, ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को शेयर इशू करती है. लेकिन ऑफर फॉर सेल में कंपनी ब्रोकर को शेयर इशू करती है और ब्रोकर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करता है. यहां पर LIC, UTI अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को शेयर इशू करते हैं, ओनली टू द सिलेक्टेड क्लाइंट, लाइक कोई किसी कंपनी का MD है, कोई चेयरमैन है, कोई CEO है, तो हाई प्रोफाइल सब
सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को दे इशू द शेयर बट इन ऑफर फॉर सेल जनरल पब्लिक को वो बंदा ब्रोकर जो है जनरल पब्लिक को शेयर बेचता है और जनरल पब्लिक में कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता. तो ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ फर्क इतना ही है. जब हम बात करते हैं राइट इशू, राइट इशू क्या है? जैसा कि हम जानते हैं इंडियन कंपनी एक्ट 2030 के तहत जब भी कंपनी सबसे पहली बार शेयर इशू करती है देन दोज हु आर द फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर, दोज हु आर द फर्स्ट शेयर होल्डर, जो सबसे पहले शेयर होल्डर है कंपनी के, उनको कुछ प्रीएम्प्टिव राइट्स मिलते हैं. ये राइट्स के अंडर अगर कंपनी दोबारा से कभी इन फ्यूचर अगर शेयर इशू करती है तो उनके पास ये राइट यानी उनका ये अधिकार बन जाता है कि कंपनी उनसे पूछती है कि हम दोबारा से शेयर इशू कर रहे हैं, आर यू इनक्लाइंड टू परचेज shares, if not we are going to issue the shares to the general public. तो right issue में company अपने existing shareholders से पूछती है कि whether they want to purchase the shares or not. ठीक है, तो right issue में यानी existing shareholders को अगर वो accept करते हैं, अगर वो interested है, तो existing shareholder को जो भी उनके पास proportion में share है उनके proportion के basis पर right issue में existing shareholders को share issue कर दिए जाते हैं. जैसे कि Mr. A is getting two new shares for every six shares. यानी यहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बनाया है कि मिस्टर ए को हर छह शेयर्स के बदले दो नए शेयर इशू किए जाते हैं. तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो जहां पर कोई पर्सन को एक दो नए शेयर या एक नया शेयर उसकी होल्डिंग पर मिल रहा हो तो ये राइट इशू होता है जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके होल्डिंग के प्रोपोर्शन के बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं. दल बात आता है ईआईपीओ. आप देख रहे हैं यहां पर आईपीओ, ये आता है ईआईपीओ. दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैथड ऑफ फ्लोटेशन इन द कैपिटल मार्केट. ये सबसे पुराना मैथड है शेयर इशू करने का. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आज शेयरिंग और परचेजिंग की बात जाए, सेलिंग और परचेजिंग ऑफ शेयर्स की और अगर हम सिक्योरिटीज की बात की जाए तो दे ऑल वेंट टू ऑनलाइन. तो अब ये ईआईपीओ आ चुका है. ईआईपीओ मींस इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. यानी अब बिड सिस्टम नहीं होता, ऑप्शन सिस्टम नहीं होता. दोज हु वांट टू परचेज द शेयर दे कैन गो टू द ब्रोकर, वो ब्रोकर के पास जा सकते हैं. ब्रोकर अपने कंप्यूटर टर्मिनल में आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर सिक्योरिटीज को एग्जीक्यूट करता है, सिक्योरिटी को लुकआउट करता है. और अगर आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर के कंपैटिबल अगर कोई कंपनी आपको शेयर इशू शेयर उस पर अवेलेबल है तो वो सारी जो लॉट है लाइक इट्स लाइक जैसे Amazon पर शॉपिंग करते हैं आज से 5 साल पहले क्या होता, 10 साल पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई 100 रुपए हमारे पास अगर बेल्ट ले लेके जाते हैं, कोई कपड़े ले लेके जाते हैं या कोई हम मान लेते हैं कि बेल्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो हमें दुकान दुकान जाकर देखना पड़ता था कि किसके पास 100 रुपए की बेल्ट है. लेकिन आज अगर हम सिंपली Amazon पर डालें कि बेल्ट अंडर 100 रुपीज तो जो भी बेल्ट जो भी कंपनी वो 100 रुपीज के अंदर अगर बेल्ट अगर दे रही है तो सारी एक लिस्ट, एक सारी पिक्चर्स और इमेजेस उस बेल्ट की और उन कंपनीज की हमारे पास हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाती है. तो उसी तरीके से ईआईपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर जहां पर सेलिंग और परचेजिंग थ्रू इंटरनेट के थ्रू होती है, यहां पर ईआईपीओ को एग्जीक्यूट करने के लिए हर कंपनी को एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करना होता है. तो ये मेथड ऑफ फ्लोटेशन थे कैपिटल मार्केट में जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफर टू प्रोस्पेक्टस जहां पर प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू किया जाता है. लेकिन इसमें कंपनी को कंपनी हैज टू इनकर कंपनी हैज टू पे द लॉट फ्लोटेशन कॉस्ट और उसी फ्लोटेशन कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनी वेंट टू द प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल जहां पर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर को शेयर इशू किया और जहां पर उन्होंने ब्रोकर को शेयर इशू किया. राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके प्रपोजल के बेसिस पर शेयर इशू कर दिए गए और ईआईपीओ में इलेक्ट्रॉनिकली आजकल शेयर्स की सेलिंग और परचेजिंग हो रही है. सेकेंडरी मार्केट. तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट. तो सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. अगर एक मार्क में डेफिनेशन आती है कि डिफाइन अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर पुरानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यानी शेयर्स को कंपनी खरीदती भी है, इन्वेस्टर्स खरीदते भी है और बेचते भी है. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये एक वो प्लेस है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड करती है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज खरीदी और बेच जाती है. लेट मी क्लियर वन थिंग कि स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी कंपनी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. यहां पर सिर्फ इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर ही खरीदते और बेचते हैं. कंपनी कभी भी पुरानी चीज ना खरीदती है ना पुरानी चीज कभी बेचती है. पुरानी चीजें कस्टमर ही बेचता है, पुरानी चीजें कस्टमर ही खरीदता है. तो सिर्फ इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स ही इंटरैक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. ये वो जगह है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी
अगर इसके फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि फंक्शन क्या काम करते हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, या अगर ये इसको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर रोल, व्हाट द रोल स्टॉक एक्सचेंज प्लेज, तो स्टॉक एक्सचेंज जो रोल प्ले करता है, स्टॉक एक्सचेंज जो फंक्शन प्ले करता है, जो काम करता है, वो सबसे पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम एयर के प्रेशर को जज करते हैं, तो ये उसी तरीके से इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरीके से काम करता है, यानी विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वी कैन गेट टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को स्टॉक एक्सचेंज बताने में हमारी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वी कैन इजीली नो व्हाट इज द इकोनॉमिक स्टेटस और व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री। फिर हम बात करते हैं प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में पुरानी सिक्योरिटीज खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है। मान लीजिए कि मेरे पास पैसे थे, मैंने प्राइमरी मार्केट में जाकर, जिसे न्यू इश्यू मार्केट भी बोला जाता है, वहां पर जाकर मैंने सिक्योरिटीज यानी शेयर्स को परचेज कर लिया। कुछ दिन के बाद मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, आई वॉज इन नीड ऑफ फाइनेंस, तो वॉट आई डिड, मैंने यहां पर सेकेंडरी मार्केट में जाकर, जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, मैंने वहां पर जाकर अपनी सिक्योरिटीज किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को, who is inclined to purchase those companies share, मैंने उसको बेच दिए। तो स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हमने सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को आसानी से लिक्विडेट यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। या इट्स ट्रू, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे? डिसइन्वेस्टमेंट और रीइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? कभी कभी क्या होता है कि मैंने कोई सिक्योरिटीज परचेज की, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं किसी दूसरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अब, लेकिन मेरे पास पैसा उतना ही था जिससे मैंने वो पुराने शेयर्स खरीदे, जो नई कंपनी के शेयर खरीदे, अब मेरे पास पैसा वही है, तो मैंने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उन शेयर्स को बेच दिया, और उससे जो मुझे पैसा मिला, मैंने उसी स्टॉक एक्सचेंज में किसी दूसरे बंदे से जिस कंपनी के शेयर में परचेज करना चाहता था, मैंने वो परचेज कर लिए। ये तो वही बात हुई ना कि मुझे खरीदनी थी i10, लेकिन मेरे पास पहले से ही कौन थी, मेरे पास पहले थी वैगनर। अब मुझे i10 खरीदनी है, पैसे मेरे पास है नहीं, तो मैंने क्या किया, अपनी वैगनर किसी और को बेची, और जो पैसे मिले उससे मैंने उससे i10 खरीद ली जिसके पास ऑलरेडी i10 थी। क्लियर है? तो स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप डिसइन्वेस्टमेंट कर पाते हो, यानी आप अपनी सिक्योरिटीज बेच के दूसरी सिक्योरिटीज भी खरीद पाते हो जो आपको खरीदना चाहिए या फिर आप खरीदना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और रीइन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। फिर हम बात करते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, कि व्हाटएवर द ट्रांजेक्शन यू आर मेकिंग आउट इन द स्टॉक एक्सचेंज दे आर कंप्लीटली सेफ। कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करना यानी सेलिंग और परचेसिंग करना, ये पूरी तरीके से सेफ इसलिए है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी को ऐसे ही इनलिस्ट नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर जो कंपनी कॉम्प्लाई जो ओबे कर पाती है, स्टॉक एक्सचेंज उन्हीं कंपनी को लिस्ट करता है, और जो कंपनी लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही शेयर्स को बेच पाती है। तो यहां पर मैनिपुलेट या फिर यहां पर एक्सप्लॉइट होने के चांसेस नहीं होते। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करना बहुत सेफ है क्योंकि लिस्टेड ही कंपनी ट्रेड करती है और स्टॉक एक्सचेंज के अपने कुछ पैरामीटर है, उन पैरामीटर को क्रॉस करने के बाद ही कंपनी लिस्ट हो पाती है। लास्ट बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी यहां पर मेरा मतलब है प्राइस ऑफ शेयर। तो स्टॉक एक्सचेंज किसी भी सिक्योरिटीज के प्राइस को जानने में हमारी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वी कैन इजीली गेट टू नो द प्राइस ऑफ द शेयर। अगर आपको जानना हो कि रिलायंस कंपनी का या विप्रो का आईबीएम के शेयर के प्राइस क्या चल रहा है, तो यू कैन गो टू सिंपली द स्टॉक एक्सचेंज, या आप अपने मोबाइल से सीधे अपने मोबाइल पर टाइप करिएगा प्राइस ऑफ आईबीएम या प्राइस ऑफ रिलायंस। तो विद द हेल्प ऑफ अब वो जो गूगल है वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से वो डेटा को फेच आउट करेगा और आपकी स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। तो स्टॉक एक्सचेंज हमारी किसी भी सिक्योरिटीज के प्राइस को जानने में हमारी हेल्प करता है। ये था हमारा स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पर हमने मेथड ऑफ फ्लोटेशन की बात कर ली है। कल हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ नए और अनकवर टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टडीज टॉपिक
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा फंबल कर जाता हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना है। तो बेल आइकन को ना दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर जरूर दबाएं, ठीक है। तोड़ दे घंटे को, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, देन यू कैन गो टू द इंस्टाग्राम पेज। हमारा पेज है _commercemedia_, या फिर आप मुझे डायरेक्ट डीएम मेरी पर्सनल अकाउंट पर भी कर सकते हैं, which is samkhan8683। तब